अब भी अगर आप सो नहीं रही तो मुझे अलादीन और उसके जादुई चराग की दिलचस्प कहानियाँ सुनाइए ना। अलादीन वहाँ बैठकर रोने लगा। वो काफी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे। वो अपने हाथ आपस में रगड़ने लगा। अचानक से धुआं सा उठा और उसके सामने एक बड़ा सा जिन हाजिर हो गया। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आका। मुझसे कहिए जो कुछ चाहिए। जो भी मेरे मालिक की अंगूठी पहनता है मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ। सुनिए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस जगह से बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही अलादीन ने अपनी बात खत्म की, जमीन फट गई और वो उसी रास्ते से वापस आ गया जहाँ से वो अंदर गया था। फिर अलादीन घर की तरफ दौड़ा। अम्मी, अम्मी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। वो मेरे चाचा नहीं हो सकते। वो तो बस मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि उन्हें वो मिल जाए जो वो चाहते हैं। वो बस प्यार का दिखावा कर रहे थे। सच में वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी निकला। मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि मैंने उसे तुम्हारा चाचा समझ लिया। अगले दिन, अम्मी मुझे वो चिराग दे दो जो मैं अपने साथ लाया था। मैं उसे बेच देता हूँ और उन पैसों से खाने के लिए कुछ लाता हूँ। जब अलादीन की माँ ने चिराग निकाला तो उन्होंने देखा कि वो काफी ज्यादा गंदा है। अलादीन, ये रहा चिराग, लेकिन ये काफी गंदा है। मुझे लगता है अगर तुम इसे साफ करके पॉलिश कर दो तो इसके ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। फिर उन्होंने चिराग को रगड़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक बड़ा सा जिन सामने आ गया। क्या हुक्म है आका? जो भी इस चिराग को पकड़ता है मैं उसका गुलाम हूँ। आप हुक्म करें। अलादीन की माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अलादीन ने जब अपनी माँ और जिन की आवाज सुनी तो वो वहाँ आ गया। आपको जो भी चाहिए आप मुझे हुक्म दें। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ जाओ, कुछ ऐसा जो बहुत ही लजीज हो। जिन ने 12 अलग अलग तरह के पकवान सोने के बर्तनों में पेश किए, साथ ही कुछ और भी लजीज चीजें पेश की। और फिर वो अलादीन से बोला, आपने जो कहा आपके सामने है। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बस मुझे हुक्म दें। अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब तुम जाओ। उठिए अम्मी, चलिए खाना खाते हैं। इस चिराग और इस अंगूठी को फेंक दो। इनसे हम किसी न किसी मुसीबत में फंस सकते हैं बेटा। नहीं माँ, मैं इस चिराग और अंगूठी को बिल्कुल नहीं फेंक सकता हूँ। लेकिन मैं इस चिराग को छुपा देता हूँ ताकि वो जिन कभी आपके सामने ना आ पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो बेटा। अलादीन और उसकी माँ ने वो खाना खाया जो जिन ने उन्हें दिया था। अलादीन उनमें से एक प्लेट को बेचने गया। आओ बच्चे, अगर कुछ बेचने के लिए आए हो तो वो बस मुझे दिखा दो, तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अरे बच्चे, ये तो बिल्कुल खरे सोने की है और इसकी कीमत 70 दीनार है। अगर तुम्हें ये कीमत ठीक लगे तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। हाँ। अलादीन ने पैसे ले लिए और उसके बाद वो एक एक करके सारे बर्तनों को बेचता रहा और इस तरह से धीरे धीरे करके उनकी गरीबी दूर हो गई। कुछ साल में बाजार के सारे लोग अलादीन को जानने लगे। एक दिन
सुबह उठकर बाजार में जाते हुए अलादीन ने सुना कि शहजादी बदर अल बुदूर यानी सुल्तान की बेटी का काफिला बाजार से निकल रहा है। जब सुल्तान की बेटी बाजार में घूम रही थी तो उसने अपना नकाब हटाया। अलादीन ने उसकी एक झलक देखी और उसे उससे प्यार हो गया। जब वो घर आया, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। वो खूबसूरत लड़की बदर अल बदूर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अम्मी। ओह, ऐसी बातें मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी बेटा। मैं इस बात को जानता हूँ, मेरा ताल्लुक एक गरीब घर से है, लेकिन इसके बावजूद मैं उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये बताओ अलादीन, अगर मैं सुल्तान से उनकी बेटी का हाथ तुम्हारे लिए मांगूंगी तो मैं उन्हें बदले में क्या तोहफा दूंगी जो उनकी हैसियत के हिसाब से हो? क्योंकि आपने तोहफा देने की बात की है तो मैं सुल्तान को ऐसा तोहफा दे सकता हूँ जो इस शहर में तो क्या दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। मुझे पता है अम्मी, हमारे गहने दुनिया में सबसे कीमती हैं। मैं आपको ये गहने देता हूँ, आप ये ले जाकर सुल्तान के सामने पेश कीजिए, मुझे यकीन है कि उन्हें पसंद आएंगे। देखना, ये तोहफा सुल्तान को जरूर अच्छा लगेगा अम्मी, अब आप मना नहीं कीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे सुल्तान के पास लेकर जाएं और फिक्र तो बिल्कुल ना करें। ये याद रखिएगा, मेरे पास एक चिराग है जो मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देता है। अगले दिन सुबह अलादीन की माँ ने गहनों से भरी तश्तरी ली, उस पर एक अच्छा सा कपड़ा डाला और महल चली गई। उस औरत को मेरे पास लाओ ताकि मुझे पता चल सके कि उसे क्या चाहिए और मैं उसकी मुराद पूरी कर सकूं। आओ बताओ हमें, क्या फरियाद है तुम्हारी, क्या कर सकते हैं हम? हम सबके सुल्तान, मैं आपसे एक गुजारिश करने आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे मेरी जान बख्शने का वादा चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है सुल्तान आपको मेरी बात गुस्सा दिला दे। ठीक है, अब बताओ, हम वादा करते हैं कि तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। हमारे सुल्तान, मेरा एक बेटा है अलादीन, एक दिन उसने शहजादी बदर अल बुदूर की एक झलक देख ली। जब से उसने उन्हें देखा है वो कह रहा है कि मैं आपसे जाकर ये कहूँ कि वो आपकी बेटी से निकाह करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि सुल्तान आप हम दोनों पर रहम दिखाएंगे और हमें सजा नहीं देंगे। मैं आपके लिए कुछ तोहफा लाई हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा महल में हर कोई उन पर हंसने लगा। सुल्तान और कहां ये? सही बात है। दिखाओ दिखाओ कि तुम हमारे लिए क्या लेकर आई हो। जैसे ही अलादीन की माँ ने कपड़ा हटाया और गहने दिखाई, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतने खूबसूरत गहने नहीं देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे खजाने में ऐसा एक भी गहना है जो मेरे लिए ऐसा तोहफा भेज सकता है। वो मेरी बेटी का शौहर बनने लायक होगा। जहां तक मैं देख सकता हूं, यहां उस आदमी से ज्यादा लायक कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और अपने बेटे से कहो कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि उसे 40 तश्तरियां खरे सोने से भरी हुई हमें देनी होंगी और कीमती पत्थरों के साथ इतने ही नौकर नौकरानियां भी। अगर आपका बेटा ये सब दे पाएगा तो हम उसकी शादी अपनी बेटी से करवाएंगे। अलादीन की माँ वहां से चली गईं। अम्मी बताइए मुझे क्या हुआ? अलादीन, सुल्तान ने मेरी बहुत इज्जत की और उन कीमती गहनों को देखकर वो बहुत खुश भी हुए, पर उन्होंने हमसे काफी सारी चीजें मांगी हैं। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें अभी जवाब दो। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सुल्तान ने इतने नायाब तोहफे इसलिए मांगे हैं ताकि वो अपनी बेटी से मुझे शादी करने से रोक सकें।
सच्चाई तो ये है कि उन्होंने उससे भी कम मांगा है जितना कि मैं सोच रहा था। क्या आप एक काम करेंगी, बाजार जाकर आप रात के खाने के लिए इंतजाम कर दें। अलादीन ने चिराग लिया और उसे घिसा। जिन हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका, आप मुझे बताएं। मैंने सुल्तान से उनकी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन उन्होंने तो हमारे सामने शर्त रख दी। उन्हें चाहिए 40 तश्तरियां सोने से भरी हुई, और उन्हें गुफा से निकाले गए बेश कीमती पत्थर भी चाहिए। और जानते हो क्या, उन्हें वो सब चाहिए 40 नौकर और नौकरानियों के साथ। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब मेरे लिए ले आओ। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। जब अलादीन की माँ घर लौटी तो उन्हें नौकरों के हाथ में बहुत सारे गहने दिखे। ये सब उस चिराग से ही मिले हैं ना? अम्मी, आप ये सब सुल्तान के पास लेकर जाएं, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि जितना वो सोच रहे थे हम उससे भी ज्यादा उन्हें आसानी से दे सकते हैं। अलादीन की माँ उन सारी नौकरानियों को लेकर महल गईं। सुल्तान हैरान रह गया, वो गहनों और नौकरों को देखता ही रह गया। हुजूर, ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए और हमें अपनी बेटी का हाथ सौंप दीजिए। दरअसल वो तो इससे कहीं ज्यादा के लायक हैं। जाकर अपने बेटे से कहो कि हमने उसका तोहफा कबूल कर लिया है और हम अपना वादा पूरा करेंगे। मेरी बेटी उसी की बीवी बनेगी और वो हमारा दामाद। आज की रात निकाह की तमाम रस्मों की शुरुआत हो जाएगी, बस उसे यहाँ वक्त पर आना होगा। तुम ये खबर सुनकर खुश हो जाओगे। सुल्तान ने तुम्हारी बात मान ली है, अब जल्द ही तुम्हारा निकाह शहजादी से हो जाएगा। आज रात निकाह है, तैयारी करो, जाओ बेटा। शुक्रिया अम्मी, मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। अलादीन ने चिराग लिया और उसे घिसा। जिन हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका, आप मुझे बताएं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसे कपड़े लेकर आओ जो बहुत ही महंगे हों, और वैसे कपड़े कभी किसी बादशाह ने ना पहने हों, और एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो शाही घोड़ा हो। उसकी लगाम सोने की होनी चाहिए और साथ ही उस पर बेशकीमती पत्थर लगे हुए होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम 12 नौकर लाओ जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार हों, और जब मेरी अम्मी महल में जाएं तो वो सभी उनके साथ होने चाहिए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। जैसा आपका हुक्म। अलादीन घोड़े पर चढ़कर अपने आगे पीछे नौकरों को लेकर महल की ओर निकल पड़ा। मेरे सुल्तान, रहम दिली के लिए आपका शुक्रिया। आपने मेरी शादी का वादा पूरा किया है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक जमीन का टुकड़ा देंगे। मैं एक महल बनवाऊंगा जिसमें आपकी बेटी शानो शौकत से रहेगी। मेरे बच्चे, अपने आसपास देखो, तुम्हें जमीन का जो भी टुकड़ा अच्छा लगे वो तुम खुशी से ले सकते हो, लेकिन हमें लगता है कि तुम्हारा महल बनाने के लिए सबसे सही रहेगा जमीन का ये लंबा चौड़ा टुकड़ा जो हमारे महल के सामने है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके महल के पास ही रहेंगे। अलादीन अपने घोड़े पर बैठा और महल से वापस अपने घर आ गया। घर जाकर उसने चिराग को रगड़ा। जिन हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका, आप मुझे बताएं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम सुल्तान के महल के सामने जल्दी से मेरे लिए एक महल बना दो। वो महल बहुत ही शाही और शानदार होना चाहिए, और साथ ही दुनिया के सारे ऐशो आराम।
जैसा आपका हुक्म मेरे आका। उसने जल्दी से महल बनाया और गायब हो गया। जब सूरज निकला तो सुल्तान की नींद खुली। वो अपनी खिड़की पर गया, वहां से उसे एक नया महल दिखा, ठीक उसके महल के सामने। शहर में हर कोई उस महल को देखकर हैरान था। इस दौरान महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अलादी और बदर अलबुदूर के बीच निकाहनामे पर दस्तखत हुए। सुल्तान ने काजी और गवाहों को बुलाया। मुझे इस बात का सुकून है कि वो छोटा बच्चा उस गुफा में मर गया होगा, और मुझे इस बात की उम्मीद है कि एक दिन वो चिराग मेरे पास जरूर आएगा। उसने अपना जादुई आईना निकाला और उसमें देखने लगा, ये पता लगाने के लिए कि अलादीन मरा है या नहीं और चिराग कहाँ है। अलादीन के जिंदा दिखने पर उसे बहुत गुस्सा आया। उस चिराग के लिए मैंने इतनी तकलीफें सही हैं जितनी किसी ने नहीं सही होंगी। वो लड़का चिराग का फायदा उठा रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अपनी ताकत जुटाकर उसे बर्बाद कर दूंगा। वाह, इससे अच्छी कहानी तो मैंने कभी नहीं सुनी अप्पी। आगे की और भी अच्छी है, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अगर सुल्तान मुझे एक और दिन जिंदा रहने के लिए दे दे, तभी मैं तुम्हें आगे की कहानी कल रात सुना पाऊंगी। चलो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, इसे तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। Come on, little bunnies. Give thumbs up for the video, share with your friends, and subscribe to our channel for more awesome videos.